जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम केवी यादव है और मैं आपको आज टाटा की नई बस LP 810/52 मार्को पोलो 51+A+D यानी कि 53 सीटर आपको दिखवाता हूँ। यह गाड़ी आपको, जैसा कि आपको सामने दिख रही है ना, यही गाड़ी है। इस गाड़ी को जस्ट लाइक ए मार्को पोलो अल्ट्रा, मार्को पोलो थी लेकिन अल्ट्रा की तरह बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। और इस गाड़ी के अंदर ये एक फ्रंट ड्राइवर के लिए, आगे देखने के लिए एक शीशा दिया गया है, जिससे कि कोई भी बच्चा अगर गाड़ी के सामने आता है, अगर जैसे देख नहीं पाता था, पहले कई बार हादसे हो चुके हैं, तो उनको रोकने के लिए एक शीशा लगाया गया है, जिससे कि ड्राइवर कोई भी हादसों को रोक सकें। अब हम आपको साइड वाला व्यू दिखाते हैं। ये साइड वाला व्यू है, इसमें एक विंडो ग्रिल दी गई है 3, जिससे कि बच्चे सर वगैरह ना निकालें। इसके जो टायर दिए गए हैं वो 17.5 इंची के टायर हैं। और ये अपना डोर है अंदर जाने के लिए। इस गाड़ी में अंदर जाएंगे, ये देखते हैं, इस गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग है और ड्राइवर के लिए एक फ़ैन दिया गया है, जिससे गर्मी लगे तो वो ऑन कर सके उसे। और ये एक FDDS दिया गया है, फायर डिटेक्शन सस्पेंशन सिस्टम। ये आगे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गाड़ी का डैशबोर्ड है जैसा आप देख रहे हैं। और मैं आपको एक ये मीटर भी दिखवा देता हूँ। ये इसका टूल रखा हुआ है और ये अपने सिलेंडर रखे हुए हैं, 2 आगे और 1 पीछे, यानी कि 3 सिलेंडर दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। और इसमें आगे वाली को ड्राइवर सीट और आगे वाली सीट पे सीट बेल्ट दी गई है। ये 3x2 कॉन्फ़िगरेशन में है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें एक 3 इमरजेंसी एग्जिट डोर दिए गए हैं, 1 आगे है और 2 पीछे हैं। और पीछे वाली सीट पर भी सीट बेल्ट दी गई है। इसमें सीटों के नीचे बैग रखने के लिए रैक बनाए गए हैं, जो पहले कपड़े का रहते वो ख़राब हो जाते, अब ये ख़राब नहीं होंगे। चलिए अब नीचे चलते हैं और फिर पीछे चलते हैं। टायरों के बारे में तो बता ही चुके हैं हम आपको, रेडियल टायर हैं, ट्यूबलेस। अब उन पीछे का बैक लुक देखते हैं। ये इस गाड़ी का बैक लुक है। जो कि अपने सेगमेंट की बेहतरीन गाड़ी है, मार्को पोलो। इसके कंपटीशन में किसी भी कंपनी कोई गाड़ी नहीं है। फ्यूल टैंक इसमें 120 लीटर का है, 12 वोल्ट की बैटरी है इसमें। इस मॉडल का पूरा नाम LP 810/52 मार्को पोलो स्टार्स बस 51+A+D, 4 सिलेंडर इंजन है इसका, एयर ब्रेक है, पावर स्टीयरिंग है, 12 वोल्ट की बैटरी है जो बता चुका हूँ पहले मैं आपको। व्हील बेस का 5200 mm है, लेंथ इसकी 9750 mm है, मैक्सिमम बेड़ इसकी जो है 2340 mm है, जो कि किसी भी गाड़ी में कंपटीशन में नहीं आ रही है, जैसे चाहे वो SML हो या महिंद्रा हो। ओवरहैंग इसका आगे 34 mm है और पीछे अपना 2950 mm है। ठीक है, ओके, थैंक यू।